उसको मुक्ति नहीं मिली। तो यहाँ पर कहते हैं ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कौन ये कथा को सुन सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते जब करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य संचित हो तभी ये भागवत कथा ही कोई सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, हम तो जिंदगी भर पाप किया, पर ये कथा सुनने का क्या मेरे अधिकार है ही नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया, ये बच्चों सामने कोई बात नहीं करना, कथा सुनना ना घर में, तो घर में जाओ इधर घूम कर बैठो, नहीं तो इधर घूम कर बैठो, हाथ जोड़ कर बैठ जाओ। इसलिए अगर कोई बोले भैया हम तो बहुत बड़े पापी है, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हो तभी कोई कथा सुन सकते हैं, हम तो बड़े पापी, फिर क्या ये कथा नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पर एक कोई बैठे जो कथा सुनना चाहते हैं, ये बच्चे तो कथा सुनेंगे नहीं, ये बच्चे उठा दो, उधर पीछे बैठा दो, तू तू खड़े कर, तू खड़े कर। नहीं जा नीचे नीचे से नीचे चली जा, हरे कृष्ण। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हम तो बहुत बड़े पापी है पर ये क्या कथा नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, ये धुंधुकारी जैसे इतने बड़े पापी कोई हो ही नहीं सकता, जिसको नाम पर गया में पिंड देने पर भी इसको मुक्ति नहीं मिली। कहते एक बार क्यों, कहते मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो मुक्ति नहीं मिली। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली, बोले भागवत कथा से। मतलब है हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार आओ केवल कथा में बैठ जाओ और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा में आकर के बैठ जाओ और ये भागवत रूपी गंगा में गोता लगा लो। कहते क्या होगा, बोले बड़े से बड़े पापी होने पर भी इनको भी भागवत कथा, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति और ये जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त करा के उनको भगवत धाम में भेज दे। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, अरे ये कितना बार कथा को सुनेंगे, सुनी सुनाई हुआ कथा को हम कितने सुनेंगे, हमें कोई कथा सुनने का जरूरत नहीं। तब इसके लिए उदाहरण दिए, कहते हम श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े ज्ञानी थे सुखदेव गोस्वामी जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, माँ के पेट से निकलना नहीं चाह रहे थे, बोले माया में आऊंगा नहीं, पेट में तो बैठी बैठी करके भगवान की मैं भक्ति करूंगा। लेकिन जन्म हुए तो जन्म होने का साथ साथ इन्होंने संसार को त्याग करते हुए संन्यास लेकर के चले गए और ब्रह्म में एकदम डूबे हुए थे, ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान। लेकिन ये भागवत कथा में इतने रस, भागवत कथा में इतने आनंद, भागवत कथा में इतने मीठा है, ऐसे जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी जब भागवत का एक श्लोक सुन लिया ना वो पागल हो गए, और उन्होंने ब्रह्म ध्यान और ज्ञान को छोड़े और भागते भागते आए और पूरी ये भागवत कथा को सुनी। मतलब है कथा कौन सुन सकते हैं, बोले बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, सबके सब कथा सुन सकते हैं। आप बताओ हनुमान जैसे बड़े ज्ञानी कोई दुनिया में होगा, हनुमान जी को बताया ये कौन है,
बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सबसे बड़े ज्ञानी श्री हनुमान। अरे हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर जी, स्वयं श्री भोले बाबा। इनसे बड़े कोई ज्ञानी होगा? कोई होगा ही। फिर इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी, इतने बड़े हनुमान भी, आप देखना कहीं भी राम कथा होगी ना, सबसे पहले श्री हनुमान जी की फोटो सबसे पहले लगेगी। कहते कथा सुनने का सबसे बड़े जो रसिया कौन है? श्री हनुमत लाल जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भले राम कथा जय सुना ता अधाई, राम कथा जय सुना ता अधाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अधाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अधाई, रासा विसरे सजनता तीनि नाही, तुलसीदास जी कहते हैं अगर कोई बोले अरे कथा सुनते सुनते तो हम बोर हो गए, कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये समझो भगवान की कथा में क्या रस है ना, इसको पता ही नहीं। इसलिए भगवान पृथ्वी महाराज को बोले भैया वर मांगो। देखो पृथ्वी महाराज क्या वर मांगते हैं, ये भगवान की सत्ता में सब होता ठाकुर। कहते प्रभु जी मेरे को 10,000 काम दो। बोले क्यों? दो काम तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो काम यहाँ दो काम, अगर पूरा शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी? दो काम तो बढ़िया लग रहा है। कहते तुम बोल तो 10,000 काम दो, पूरा शरीर में कान ही कान हो जाए। बोले नहीं नहीं प्रभु जी। बोले फिर? बोले काम तो दो ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति, इतने शक्ति जो 10,000 कानों में जितने शक्ति हो। जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी ना। बोले प्रभु जहाँ जहाँ कथा हो मैं चाहता हूँ उतना रूप धारण करते हुए वहाँ पर जाऊँ और तुम्हारी कथा सुनते रहूँ, कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए, हर जगह में बैठ करके तुम्हारी कथा सुनते रहूँ। हैं इसलिए कथा सभी सुन सकते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी और पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ क्यों दो दो तीन तीन घंटा बैठेगी, घर में बैठ के बैठते तो कुछ काम धाम तो करते, और यहाँ पर बेकार बैठ बैठ करके दो तीन तीन घंटा क्यों बिताएंगे यहाँ पर। तब भागवत में बोले देखो भगवान की कथा में तुम्हें जितने फायदा होगा ना, दुनिया में और किसी चीज में इतना फायदा नहीं होगा। अगर जो कथा सुनेगा राधा रानी कहती हैं उसको 10 फायदा होगी, 7 फायदा होगा। कितना फायदा होगा बोलो? 7 फायदा होगा। आज मैं सुनाऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है, जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा, ध्यान देकर सुनो ठीक है। ये राधा रानी स्वयं कहती हैं भैया कृष्ण कथा में तुम्हें जितने लाभ मिलेगा ना दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं जितने तुम्हें इतने लाभ मिल सकता है। किसी बिजनेस में तुम फेल हो सकती हो लेकिन ये भक्ति की बिजनेस में अभी तो कोई फेल हुए नहीं। इसलिए मीरा क्या कहती हैं बोले दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये भक्ति में दिन प्रतिदिन सभा सभा में बढ़ते रहोगे, भक्ति में कभी घटोगे नहीं, भक्ति में बढ़ते रहोगे। बोले 7 फायदा क्या है देखो राधा रानी कहती है, बोले तब कथा अमृतम तापति बनाम कभी भी देता काल का
हे श्याम सुंदर, तुम्हारी जो कथा सुनेगा ना, इसका पहला फल है वो जगत में अमर बनेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले, बोले परीक्षित कोई चिंता तो मत करो, तेरे को अभिशाप मिला है ना, 7 दिन में तक्षक दर्शन करेगा। बोले हाँ, बोले कोई चिंता मत करो, केवल यहाँ बैठो और बैठे बैठ कर केवल कथा ही सुनो और कुछ मत करो, कुछ करने का जरूरत नहीं, और यहाँ बैठ कर दुनिया की बात मत करना, ध्यान देकर सुनो। कथा सुनने का एक कथा सुनने का एक नियम है, आप जिसको जानते हो ना उसको पास में मत बैठा करो। सुन रहे हो कि नहीं? तुम जिसको जानते हो ना थोड़ी सी उससे अलग बैठो, नहीं तो घर में भी दुनिया की बात करोगे, यहाँ भी दुनिया की बात करोगे। इतनी सी बात याद रखना, कभी भी पास में बैठ करके बात नहीं करनी चाहिए। कल हम सुन रहे थे ना ये भागवत, कल पर बैठे हैं, मतलब 7 दिन तक एक मन से नियम से सुना, जो मांगोगे वही देगा। अगर यहाँ बात करोगे वो फल तुम्हें देगा ही नहीं, ठीक है ना? कहीं आपस आपस में बात नहीं करना, ठीक है? इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी कहते श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल हाथ जोड़ कर बैठे रहो और कथा रूपी गंगा में केवल गोता लगाते रहो। देखना, कथा सुनते 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 जब तक तुम्हें ये अनुभूति नहीं हो रही, मैं संसार की सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के हम ठाकुर जी के चरण को प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? इसलिए कहते कथा सुनने का पहला लाभ क्या, बोले अमरत्व के प्राप्त करोगे। जैसे श्री परीक्षित महाराज अमर हो गए, अभी भी हम इनकी कथा सुनते हैं। हनुमान जी देखो जगत में अमर हो गए, ध्रुव महाराज, प्रह्लाद, मीरा अमर हो गए कि नहीं? वो कहाँ कब आए सत्य त्रेता युग में, अभी भी आप उनकी प्रणाम करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी बैठ करके गुण चर्चा सुनते हैं, हैं? इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ अमरत्व। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि ये शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में ये कथा सुनाए थे, इसलिए इसका नाम एक अमर कथा। शंकर जी स्वयं कहते पार्वती, मैं भी ये कथा सुन करके अमरत्व की प्राप्ति की। एक छोटी सी कथा सुन लो, बोले एक समय से नारद जी माता पार्वती के पास में आए कैलाश में, शंकर जी सत्संग में गए हुए थे। आप सब नारद जी का नाम सुने हो, कभी कभी कहते ना तू क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब कहते झगड़ा लगाते हो, लेकिन नारद जी का जगत में बड़ी बदनामी है। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि नारद जी के बगैर कोई प्रभु का लीला ही नहीं हुई, कोई भी लीला देखो ये पहले हुई है। हाँ, इतने में पहुंचे कैलाश में, इतने में नारद जी बोले माता जी आप ठीक ठाक हो? बोले बेटा हम तो बढ़िया कुशल मंगल है। बोले कैसे? बोले शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। शंकर जी वही सुहागिनी स्त्री जिसको पति प्रेम करता है, नहीं तो वो दुर्भाग्यनी है। इतने में नारद जी बोले पार्वती आपको सही सही बात बताएगी नहीं? बोले सही सही मतलब बताओ। बोले बोल कर क्या होगा, छोड़ना बात, अगर माताओं को कोई आधी बात बोल दो ना पेट में नहीं बचती जब तक वो पूरा बात को नहीं सुन ले। बोले बताओ क्या बात है, ऐसे क्यों बोलो? बोले बोल कर क्या होगा, छोड़ना, लेकिन आपको बार में सोच करके बड़े तकलीफ भी होता है। बोले मेरे बार में सोच करके तकलीफ, मैं तो ठीक ठाक। बोले भैया छोड़ो कि आप बोल कर क्या होगा, और भी पीछे बढ़ गए। बोले बता, बताना पड़ेगा क्या बात है। बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कोई साधी है? शंकर जी की और भी कोई साधी तुम्हें पता? बोले क्या बोल रहे हो? बोले शंकर जी ये बात नहीं बताया। देखो माताएं सब बात को हजम कर सकती हैं, लेकिन अगर बोल दे तुम्हारी पति की और कोई प्रेमी का कोई है शादी करने वाली, कभी पत्नी कभी सहन नहीं कर सकती, बात को भी सहन नहीं कर सकती। बोले क्या बोलते हो शंकर जी, और भी कोई शादी कर रहे? बोले हाँ तुम्हें बताया? बोले नहीं। बोले देख आज एक काम कर लेना, जब शंकर जी घर में आए ना आप मान भवन में जाकर के सो जाओ। शंकर जी को तभी बताना जब उनको 3 बार कसम खिला लोगे। बास नारद जी बोले बस भाग गए नारद जी, झगड़ा लगा कर चले गए। इतने में शंकर जी आए, रोज जब शंकर जी आते हैं माता पार्वती चरण धोती, चरणामृत लेती, शंकर जी की आरती उतारती,
बैठा करके गर्म गर्म रोटी खिलाती है, पास में पंखा चलाती है। लेकिन आज शंकर जी आए तो कोई स्वागत करने के लिए नहीं, बाहर एकदम सन्नाटा सा पड़ा हुआ। बोले भैया माता जी कहाँ? बोले नारद जी आए थे और कुछ बोल कर गए तो तभी तक माता जी मान भवन में चली गई। बोले ये नारद जी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए, कुछ ना कुछ झगड़ा करके गए। इतने में शंकर जी गए और पार्वती के ऊपर हाथ रखे। बोले क्या बात है? पार्वती तो हाथ फैल गई। अरे बोले बताओ ना बात क्या है? पार्वती बोली मैं तो पहले सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन अभी मेरे को पता चला आप तो मेरे कपटी बाबा हो। बोले क्यों? बताओ क्या बात है? बोले अपने और भी किसको शादी करके रखे हो? बोले नहीं। बोले प्रमाण किया? बोले ये बताओ आपके गले में जो मुंडे की माला है किसकी है? बताओ ये मुंडे की माला है किसकी? बोले पार्वती ये तेरी है। बोले मेरी है? मेरे सर पे मेरे शरीर में अब गले में गई जाए। बोले पार्वती तेरे को पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं, पूर्व जन्म में तू सती थी। एक समय तुम्हारी पिता दक्ष प्रजापति ने मेरे को कंखल में बड़े अपमान किया है और तुमने मेरी अपमान को सहन नहीं कर सकी और तुमने प्राण त्याग दी वहीं पर। एक जन्म नहीं कितने जन्म से तू प्राण त्याग करते जा रही हो और जब जब प्राण त्याग करती हो और तेरी जैसे पत्नी सहधर्मी और कृष्णा कथा सुनने वाला जगत में कोई है ही नहीं, इसलिए जब जब तू शरीर छोड़ती हो तब तक मैंने तेरे सर को गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो पहले सोच रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी तो पता चला बहुत बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर रखे हो जो आप मरी नहीं रहे हो? अब मैं मरती जा रही हूँ, बताओ कौन सा अमर बोटी? देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को पान की तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त की। बोले प्रभु मेरे को भी सुना दो, मैं भी अमर बनूंगी, आप भी अमर बनोगे, अब मैं मरती जा रही हूँ आप मर नहीं रहे हो, हमें भी अमर कथा सुना। बोले पार्वती चलो तेरे को मैं लेकर के अमरनाथ में बट वृक्ष को नीचे सुनाऊंगा। पार्वती हाथ जोड़ करके बैठना और हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कथा सुन रही। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी भागवत कथा सुनाए और उन्हें जयकार लगाए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे, सबके सब मुंह बंद कर बैठे। देखो जो जितने जोर भागवत का जयकार देगा ना, भागवत का थोड़ी जयकार, उनका जय तो है ही है, लेकिन उनको जो जय देता है जितने जोर से उनकी जय दोगे उतना पाप खत्म होगा, उतना पुण्य उदय होगा है, जय देने पर जय होगा। ठीक है जोर से जयकार बताओ। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय। शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ की, माता पार्वती हुंकार भर गई थी और करते करते माता जी बीच में सो गई तो उसी वृक्ष के ऊपर में, इतना क्लियर कर सकते हो, इसी उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता भी बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा बंद कर देंगे मेरी भी कथा अधूर रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरते रहा। बोले प्यारी बड़ी प्यारी कथा, उसको बाद में क्या हुआ। शंकर तो सुनाते ही जा रहे। फिर जब कथा विश्राम हो गई फिर शंकर जी जयकार देते ही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया तो जग गई। देखो हम भी बीच बीच में जयकार देते हैं, क्यों आप भी नहीं सो जाओ? अब देखो भगवान की कथा में नींद आती है, भगवान की कथा में नींद आ जाती है। कहते जो कुंभकर्ण है ना, देखो जो कुंभकर्ण का नाम सुने हो, कौन कौन जानते हो? सब जानते हो। कुंभकर्ण का पत्नी का नाम निद्रा देवी। जिस समय भगवान राम ने कुंभकर्ण को वध किया उनकी पत्नी निद्रा देवी को बड़ा क्रोध आया। पति मरेगा तो पत्नी को क्या होगा बताओ? बड़ा क्रोध आया। बोले प्रभु
आपका बैकुंठ में अगर मैं ताला नहीं लगा देती हूँ, मेरा नाम निद्रा देवी नहीं। बोले कैसे? बोले जब कथा होगी ना, जो कथा सुनेंगे उनका सर पर बैठ जाओगे और सो जाएगी, सो जाएगी तो कथा नहीं सुन पाएगा, कथा नहीं सुन पाएगा तो ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो भजन ही नहीं करेगा। आपको बैकुंठ में ताला लगा दूंगी। इतने में भगवान ने बोले चिंता नहीं, तुम ताला क्या लगाओगे, बीच बीच में ना मैं जयकार देते रहोगे, बीच बीच में कथा में जयकार देते रहेंगे, फिर लोगों का नींद नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हम भी बीच बीच में श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कोई सुना नहीं, ठीक है। इतने में जब उन्होंने जयकार किया, इतने में माता पार्वती का नींद खुल गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले किसको बाद में? बोले कथा तो समाप्त तो हो गई। बोले नहीं, बीच में मैं सो गई थी। बोले तू बीच में हुंकार भर रही थी? बोले नहीं, मैं बीच में तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, क्योंकि ये अमर कथा है। अगर ये अमर कथा को कोई दुष्ट व्यक्ति अगर सुन लेगा, अमर बन जाएगा, अमर बन जाएगा। अगर दुष्ट कोई अमर बन गया तो ये देश के लिए, जगत के लिए हानिकारक है। इसलिए गीता में कृष्ण जब अर्जुन को ये ज्ञान की बात बताई, लास्ट में क्या कहते हैं? बोले अर्जुन न अभक्ताय कदाचन, ये कथा दुष्टों को नहीं सुनाना, ये कथा दुष्टों को नहीं सुनाना, ये कथा तो उसको ही सुनाना जिसके हृदय में मेरी पर की भावना हो, भक्ति हो, उसको ही कथा सुनाना। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती ये कथा को कौन सुन सकते हैं? सभी नहीं सुन सकते हैं। शंकर जी क्या बोलते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होई, हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कथा में वही आ सकते हैं जिसको पर में ठाकुर का विशेष कृपा। भगवान की दो तरह का कृपा है, एक तो घुमा फिरा करके और एक सीधा डायरेक्ट। शंकर जी कहते पार्वती जिसको पर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा होना, वही व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ सकते हैं। इसलिए आप जो कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान की आपको पर बहुत बड़ी कृपा है। अभी भी कुछ माता टीवी को सामने बैठी हुए इधर उधर बेटी बहू की हैं गप्पे मारते होंगे, लेकिन कथा में नहीं, बिना पैसा और भगवान की कथा जिसको सुन करके शंकर जी कहते मैं भी अमरत्व की प्राप्ति की, जिसको सुन करके माता पार्वती भी अमर हुई हैं। इसलिए भगवान की कथा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया ये कथा दुष्टों को नहीं सुहाती है, ये तो पुण्यात्मा को ही सुहाती भगवान की कथा। दुष्टों को तो दुनियादारी, बेटा बेटी, नाती पोती, चुगली, इधर उधर की बात उनको अच्छी लगती है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती भगवत कथा में रुचि होना बड़ा कठिन है, और जिनको भगवान की कथा में रुचि हो गई पार्वती समझे बड़ा पार हो गया। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब शंकर पार्वती की शादी हुई ना, और माता पार्वती कठोर तपस्या की शंकर को पाने के लिए, पहले जन्म में वो सती थी, बाद में वो हिमालय की बेटी बन करके आई, कठोर तपस्या की, बेल वृक्ष के नीचे बैठी करती बिना खाए पिए, बिना खाए पिए कठोर तपस्या की। जब बाद में शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर पार्वती की शादी हो गई, शंकर जी पार्वती से प्रश्न करते हैं, बोले पार्वती ये बताओ तुमने मेरे को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या क्यों की?
इतने इसलिए पार्वती का एक नाम अपर्णा। अपर्णा मतलब क्या है? शंकर जी को पाने के लिए पत्ता तक भी उसने खाना छोड़ दिया। शंकर जी बोले बताओ तुमने क्यों मेरे को तपस्या की पाने के लिए, क्या चाहिए? शादी को बाद में अगर पति अगर पत्नी से पूछे पत्नी तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग क्या बोलोगे बताओ? हम लोग तो अच्छे हो, गुजरी हो, लेकिन साधारण जो स्त्रियां हैं ना बोलेगे चलो भैया हनीमून मनना के लिए कहीं जाएंगे, नहीं तो मेरे को मन कहीं घुमाने ले चलो, मेरे लिए ऐसे साड़ी ले आओ, ऐसे सूट सलवार ले आओ, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु जी इसलिए मैंने कठोर तपस्या की, केवल मन में एक इच्छा है भगवान कथा सुना, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु, आपके ऊपर में मेरी शंका हो गई थी। जब रावण ने सीता को उठा करके ले गया उसी समय इनकी शंका हो गई थी पार्वती को, सती को, इसलिए सती को शरीर त्याग करना पड़ा। इसलिए प्रभु मेरे को प्रभु की कथा सुनाओ, मेरे हृदय में जो अज्ञान है ये अज्ञान को आप दूर करो, ये माता पार्वती शंकर जी को कहते हैं। इसलिए भगवत कथा से हृदय में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, ये हृदय से ये दूर हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। इसलिए देखना 7 दिन जब कथा हो जाएगी ना, देखना सबको अंदर में ज्ञान आ जाएगा, सबके अंदर में अज्ञान दूर हो जाएगी। जब गले में कंठी तिलक प्रभु का नाम जब करना शुरू कर देते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोला बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे एक बार जोर करके बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इतने में शंकर जी ने देखा भैया कथा किसने सुनी, इतने में देखा एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा है। बोले भैया ये तो अमर हो गया, ये तो अमर हो जाएगा, ये तो छुप करके ब्रह्म ज्ञान को हरने की। शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए पीछा की और वो तोता भटकते भटकते पहुंचा बद्रीनाथ में। वहां पर देखा व्यास देव उनकी पत्नी पीटका को भी यही कथा सुना रहे थे, प्रभु की कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा। वो ऐसे मुंह फाड़ करके जैसे आश्चर्य होकर के सुनते हैं ना, वो ऐसे सुन रही थी। इतने में तोता वहां पर जाकर के उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी जब हाफते हाफते पहुंचे, इतने में व्यास देव ने पूछे बोले भोले बाबा कहाँ से हाफते हाफते आ रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले आप पीछा क्यों कर रहे हो? बोले मारने के लिए। बोले सचमुच आप भोले ही हो, आप कहते हो जो कथा सुनेगा अमर बनेगा। तोता ने तो कथा सुन ली, वो तो अमर हो ही गया, फिर उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी बोले भैया बात तो सही है। अभी शंकर जी सोच रहे हैं अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, वो कभी भी कथा में नहीं बैठ सकता, जरूर ये कोई पुण्यात्मा, नहीं तो तोता साथ साथ भी कथा सुनी कैसे। इसलिए आप लोग जो बैठ कर कथा सुन रहे ना, ये शंकर जी कह रहे हैं आप बड़ी पुण्यात्मा हो जो कि बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। पापी होने पर बैठ नहीं सकते हैं, पापी बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए शंकर जी ध्यान लगाए, बोले ये तोता कौन है? फिर शंकर जी सब कुछ देखा। क्या देखा वे? बोले प्रिया सुकश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनिना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। शंकर जी ने देखा जैसे भगवान राम जब ये अयोध्या छोड़ करके गए, सबको उन्होंने वैकुंठ ले लिया, सबको, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं लिया। किसको नहीं लिया? श्री हनुमान जी को। बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे
अरे मेरे बाद में ये राम भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए तुम रहो रह करके मेरी भक्ति को प्रचार करते रहो। बोले प्रभु कब तक रहूंगा, कब तक? बोले जब तक मेरी कथा होगी जगत में तब तक रहना। और श्री हनुमान जी कहते बोले प्रभु जब मैं देखूंगा तेरी कथा कहीं नहीं पृथ्वी के ऊपर, तेरी कथा कहीं नहीं हो रही है, कहते एक सेकंड के लिए भी ये पृथ्वी में नहीं रहूंगा और पृथ्वी छोड़ करके मैं वैकुंठ में चला आऊंगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते आज जो सौभाग्य आज हमें मिली है ना, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये कथा नहीं जुड़ती है, देवलोक में भी कथा नहीं। अगर कथा होना देवता लोग स्वर्ग छोड़कर किसी मरते जगत में आते हैं, कि स्वर्ग की बात छोड़ दो कहते ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं। अगर कहीं ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए इच्छा हो तो ब्रह्मलोक छोड़ करके मरते जगत में आते हैं, कहते भैया कैलाश में भी कथा नहीं। अगर कभी शंकर पार्वती की इच्छा हो भैया हम भी थोड़ा कथा सुने, वो भी कैलाश छोड़ करके श्री अगस्त ऋषि के चरण में बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले भैया ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, वैकुंठ में भी भगवत कथा नहीं। इसलिए देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले गया ओ गरुड़ जहाँ बसा ए हो सोका कलाओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद गोपाल 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 जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन में राधे राधे। मैं बोलूंगा वृंदावन में, आप क्या बोलोगे? और जोर से, और जोर से। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए?
बाबा रे सब बिगड़ गए, सब कैसे वृंदावन गए। इसलिए आप देखना वृंदावन में ना, वृंदावन तो कृष्ण बांके बिहारी रहते हैं, देखा ना वहां पर कोई कृष्ण कृष्ण कोई भी कृष्ण कृष्ण बोलते हो नहीं मिलता। क्या बोलते हैं जोर से बोलो। और तुम्हारे गांव में भी राधे राधे बोलते हो ना, तुम भी राधे राधे बोलते हो। हाँ सब गुजरी है ना, इसलिए गुजरिया खोल पिगड़िया तेरे घर आया। इसलिए ये गुजरी कौन है बोले कृष्ण की गोपियां जो ना सब गुजरी से। हाँ कृष्ण का गोपी गुजरी है, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते। बोले क्यों वहां पर कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहते, ये कृष्ण खुद कहते हैं। बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम, कृष्ण खुद कहते हैं। कदा अगर कृष्ण के बोले रा अक्षर बोल दिया ना, कृष्ण कहते भैया मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ, मेरी राधा रानी का रा अक्षर बोला और उसको मैं दू किया। देखो रा अक्षर की इतने महत्व, कृष्ण कहते मैं खुद को खुद दे देता हूँ भैया, आज से मैं तेरे को दे दिया। अगर कोई धा बोल दे ना रा और धा, अगर ये दो अक्षर बोल दे, कृष्ण कहते भैया वो जिधर जिधर चलता है मैं भी उसको पीछे 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 मैं भी चलता रहता हूँ। इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे अभी, भजन जानते हो ना राधे राधे रटो चले। हाँ राधा रानी का नाम लेते ही कृष्ण वहीं पर आ जाते हैं। इसलिए हम लोग जो महामंत्र गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मतलब क्या राधा रानी, कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है वो श्री राधे। इसलिए हरे मतलब कृष्ण का मन प्राण जो हरण करती है। इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में आप क्या बोलोगे, बोले वृंदावन में ताली लेकिन आली गांव के जो भक्त हैं, आपको कथा सुनने के लिए कुछ त्याग देना पड़ा, आपको घर छोड़ना पड़ा, बताओ कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा,
ये कथा रूपी गंगा वृंदावन में बहते बहते अरे आली गांव में तिजा का नाम क्या चौपाल चौपाल में आ गई और हम घर में बैठ बैठ करके कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो आज हम लोग भगवान की कथा रूपी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत देखो इसमें और एक शिक्षा देते हैं। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए ना वो अकेले नहीं आए वो देवियों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी जब कथा सुनने के लिए आए वो अकेले नहीं आए ब्रह्माणी को लेकर के आए। जब शंकर जी कथा सुनने के लिए आए अकेले नहीं आए पार्वती को लाए। ये सब के सब ना कोई अकेले नहीं आए ये दोनों दोनों आए पति पत्नी दोनों दोनों आते हैं। इसलिए नियम है अगर देवियां कथा सुनने के लिए आए और अपना अपना देवता को लेकर के आए समझ रहे कि नहीं। अगर पत्नियां कथा सुनने के लिए आते हो ना अपना पति को मिलाओ। अगर पति अगर कथा सुनने के लिए आते हैं फिर क्या करो अपना पत्नी को भी लेकर के आना। ये सिखा देते हैं अकेले कथा नहीं दोनों दोनों आओ तो फिर क्या होगा ज्यादा पुण्य मिलेगा ज्यादा पुण्य मिलेगा नहीं तो गड़बड़ी क्या होगा जानते हो। जैसे आप देखना जैसे 7 दिन तक आप कथा सुनोगे आप देखना 7 दिन तक जब कथा सुनोगे ना देखना आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। समय को आप बर्बाद करोगे समय मिलेगा तो भगवान के नाम जप करोगे गीता पढ़ोगे भागवत पढ़ोगे हैं गले में कट्टी पहनोगे तिलक लगाओगे। अगर आप लोग को ऊपर में कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया ना फिर पति लोग बोलेंगे बोले किसकी बाबा की चक्कर में तू पड़ गई हैं। गला में कंठी माला पहले बोलते थे सिनेमा में ले चलो घुमाने ले चलो अभी समय होते बोले वृंदावन ले चलो बोले सत्संग में ले चलो। इसलिए अगर पति आए अगर उनको पर रंग चढ़ी पति अगर भागवत गीता लेकर के बैठे हरिनाम करने के लिए पत्नी क्या आप लेंगे बोले काम धाम कुछ नहीं जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते संसार नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर कहते भैया अगर दोनों कथा सुनने आओगे ना दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी ना फिर गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। दोनों बोले कि वृंदावन में चलो दोनों बोले कि सत्संग में चलो दोनों बोले कि भैया चलो हम थोड़ी बैठ करके थोड़ी गीता भागवत रामायण सुने पर दोनों का गाड़ी ना बहुत बढ़िया चलेगी। इसलिए कल से सब देवताओं को लेकर गाड़ी ठीक है ना। जितने देवियां सब देवताओं को प्रार्थना करना बोला तुम्हारी कथा तो मैं हर समय सुनती रहती हूँ अरे मेरी कथा में तो कभी सुनकर सुना करो आपकी कथा तो मैं सुनती हूँ लेकिन मेरी कथा तो सुना एक बार चलो सत्संग में हम तो गलत रास्ता पर ले नहीं जा रहे हैं आपको हम सत्संग में ले जा रहे हैं ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री श्री राम। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती हैं देखो कथा सुनने का क्या लाभ है अच्छे तरह से सुनो आप और हमारी बात छोड़ दो ये स्वयं शंकर की बात को कहते हैं। शंकर जी कौन है सत्यम शिवम सुंदर वो स्वयं कहते हैं बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर कोटि को पान की तब से मैं अमरत्व की प्राप्त की तब तक माता पार्वती शरीर छोड़ते रही कब तक जब तक उसने ये कथा नहीं सुनी। स्वयं शंकर पार्वती भी ये भागवत कथा सुन करके ये भी अमरत्व को प्राप्त किए हैं। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना हम भी संसार में अमरत्व को हमें भी प्राप्त होगी। जब तक ये दुनिया रहेगा देखना तब तक तुम्हारी नाम होती रहेगी। आप लोगों ने मीराबाई का नाम सुने हो कौन कौन ने मीराबाई का नाम सुने हो सब सुने हो लेकिन तुम्हारी मैया और तुम्हारी मैया का नाम कोई ले रहा है ये चीज को समझो। तुम्हारी माँ तुम्हारी मैया उसका तुम्हारी पिता उसका नाम दुनिया में कोई ले रहा है बोलो क्यों इनका नाम क्यों नहीं ले रही तो ये मीरा के नाम क्यों ले रहे दुनिया कारण क्या कारण है भगवान की भजन किया। लेकिन देखना मीरा जब भजन कर रही थी उसका जेठ उसकी देवर उसकी ननद उसकी सास सब पीछे पड़ गए थे वहां के एक कुत्ता तक भी गांव के कुत्ता तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा
क्यों? संतों के बीच में बैठती थी, हरिनाम भजन करती थी, भक्ति करती थी, लेकिन उसने कभी अपना रंग नहीं बदला। मीरा ने कभी अपना रंग नहीं बदले। सारा भले ही दुनिया छूट गई, लेकिन भगवान की भक्ति उसने नहीं छोड़ी। तभी तो दुनिया में उसकी नाम हो रही ना, तभी तो हो रही। इसलिए आप लोग भी ऐसे एकदम पक्के बनना, भले ही जो कुछ हो जाए, लेकिन कृष्ण का रंग नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण रंग नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, गले से कंठी नहीं उतारेंगे, तिलक जरूर लगाएंगे, भगवान की माला जरूर जप करेंगे। तभी देखना तुम्हारा नाम भी दुनिया में जय जयकार होते रहेगा तुम्हारे नाम। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? अमरत्व को प्राप्त करोगे। देखो दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। देखोगे संसार में दुखी दुखी है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है ये तुम्हारे जितने दुख है ना, अगर भगवान की कथा सुनोगे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। इसलिए तप्त जीवनम, ये जो उत्तप्त जो जीवन है दुखमय जीवन, तुम्हारी शांतिमय हो जाएगी, जीवन में परम आनंद और जीवन में परम सुख मिलेगा। यदि ये दूसरा लाभ है, फिर तीसरा लाभ क्या? बोले कलमस अपह। जब जो पाप है ना, जब दुख का मूल कारण क्या है? बोले हमने पूर्व जन्म में हमने जो कर्म करके आए, जो पाप कर्म करके आए, इसी जीवन में ये पाप कर्म को भोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान की कथा में इतने शक्ति है, कथा सुनेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भूल जाएंगे। वाल्मीकि का नाम सुने ना, ये पहले दशरथ नगर था, इतने लोग को उसने मर्डर किया, इतने लोग को मर्डर किया। जब श्री नारद जी से मिले, नारद जी बोले बलराम बोल, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम ही नाम नहीं निकला। इसलिए पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलती है। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए आप लोग मरा मरा बोले देखना अपने अब राम राम हो जाएगा। बोलो मरा मरा, बोलो बोलो मरा मरा। इसलिए आप देखना मरा मरा बोलते अपने अब राम राम हो जाता है। कहते हैं उन्हें उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उन्हें तो बोले मरा मराम करते करते दशरथ नगर से वाल्मीकि बन गया, और राम आने से पहले रामायण लिख लिया। अगर सीधा नाम हम करेंगे तो वो तो उल्टा नाम करके वाल्मीकि हो गया, अगर सीधा नाम करेंगे तो हम क्या नहीं हो जाएंगे। देखो गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने कभी जमीन में खेती किए हो? कौन कौन जमीन में खेती किए हो, करे हो? अब देखना जब गेहूं का खेती होता है ना, देखो गेहूं को लेकर के जमीन में ऐसे ऐसे फेंक देते ना, ऐसे ऐसे फेंक देते गेहूं को, लेकिन देखना वो बीज उल्टा पड़े, सुलटा पड़े, सीधा पड़े। लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है? हाँ सब आता है, सब जानती हो। इसलिए भले ही उल्टा पड़े बीज, लेकिन पेड़ का कैसे होगा? सीधा होगा। इसलिए भगवान के नाम अगर जैसे तैसे भी अगर ठाकुर का नाम तुम लोगे ना, लेकिन उसका फल कभी उल्टा नहीं होगा, उसका फल सीधा होगा, उसका फल हमें सीधा मिलेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान के नाम जप करनी चाहिए। कौन कौन माला लिए थे भाई? सो माला जप कर रहे कि ना, माला लटका कर रखती हो, कर रहे हैं माला है ना। हाँ भगवान की माला जरूर करनी चाहिए। जिन जिन्होंने माला लिए ना, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब ये माला हम किसी साधु से गुरु से लेते हैं, ये माला नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी, ये माला रूप में स्वयं ठाकुर हमारे पास में आए। अगर प्रभु का माला जप कर रहे हैं मतलब है ठाकुर को सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, क्योंकि कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग में भगवान अपना नाम रूप में ठाकुर जी आए। अगर एक दिन माला नहीं किया मतलब जानते हो, आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए। अगर एक दिन अगर तुम भूखे रह जाओ, एक दिन ही खाना पीना मत खाओ, एक दिन ही स्नान मत करो, अच्छी लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये माला रूप में भगवान हमारे पास में आए हैं, ठाकुर जी आए। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके जब तक कुछ माला नहीं कर ले तब तक भजन नहीं करनी चाहिए। भगवान जब हमें 24 घंटा दिया तो उनके लिए थोड़ी समय हम नहीं दे सकते, थोड़ी समय दे सकती नहीं। हाँ
इसलिए ऐसे दिन नहीं जाने चाहिए जिस दिन हमें माला जप नहीं कि रोज भरोगी माला जप जरूर करनी चाहिए। और अंतिम समय में देखना यही साथ में जाएगा, बेटा बेटी नाती पोती थोड़ी कोई जाएगा। अंतिम समय में बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा ये बोले ना। बोले बेटा जितने प्रभु राम का कृष्ण का नाम लिए हो अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किए हो झूठे में तुमने बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही, सब नहीं छोड़ करके जा रहे हो। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, पत्नी आगे जाएगी नहीं। परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक जाएगी, उसको आगे कोई नहीं जाएगा, आगे क्या जाएगा। बोले पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। अब लोग सब जानते हो कि भजन सब जानते हो, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान की कथा सुनने से क्या होगा, जीवन का जितने पाप है सब पाप खत्म हो जाएगी। इसका चौथा लाभ बताए कथा सुने जो तो क्या होगा, बोले श्रवण मंगल, तुम्हारा जीवन में मंगल मंगलमय होगा। कितना मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हरि भगवान की कथा, इसलिए भगवान की कथा सुनने से मंगल मंगलमय होगा। देखो ध्यान देकर सुनो, रामायण की कथा सुनाता हूँ, मन लगाकर सुनो, कल आपसे फिर दोबारा सुनूंगा, ठीक है। कथा अगर तुम्हें पता ही नहीं ये कथा बता क्या होता है, कैसे तुम भूल में जाकर कथा में बैठी गई, भूल में जाकर कथा में बैठ गए हो, ध्यान देकर सुनो कथा सुनने से क्या लाभ तुम्हारे। ये रामायण में श्री वाल्मीकि जी रामायण लिखने से पहले इसको कह रहे हैं, कथा सुनने से क्या लाभ। घर में लड्डू गोपाल है ना, तुम्हारे घर घर में सब ठाकुर जी है, इसको जो सेवा करते हो, अपना हाथों में स्नान कराती होगी, ठाकुर का श्रृंगार कराती होगी, ठाकुर को भोग लगा, इसका कितना पुण्य, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय ये पृथ्वी में एक राजा एक रानी थे जिनका नाम था सत्यवती और सुमति, सत्यवती और सुमति राजा रानी, लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी लेकिन ये क्या करते थे, इनके घर में राम दरबार था, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, और अपना हाथों से वो ठाकुर को दोनों पति पत्नी सेवा करते थे, मंदिर से ठाकुर को स्नान करना, ठाकुर को श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, अपना हाथों से सेवा करते थे। अगर थोड़ी समय ज्यादा मिलता था ना, राजा बैठ करके रामायण पढ़ते थे और उनकी पत्नी सामने हाथ जोड़कर बैठ कर कथा सुनते थे। अगर और थोड़ा ज्यादा समय मिले, राजा रानी देखो ऐसे माला लेकर के दोनों बैठ जाते थे, माला लेकर के राजा सीताराम जय रघुपति राम रघुपति राघव राजा पति सीताराम जय रघुपति राघव राजा पति सीताराम जय रघुपति राघव राजा पति पावन 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 सीताराम। तो ना राजा रानी बैठ करके प्रभु का नाम जप करते थे। एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था विभान ऋषि। देखो माताएं मन लगा कर सुनना, और घर में जाकर के ना पति को तुम्हारी देवता को भी कथा सुनाना, अगर याद रख लो तब तो सुनाओगे ना, अगर याद रखोगे तो बच्चे को भी सुनाओगे पति को सुनाओगे, अगर यही भूल जाओगे तो कैसे सुनाओगे। देखो हम दुनिया की बात याद रखते हैं, अगर झगड़ा हो जाए ना देखना 10-20 साल का बात को बोले तुमने मेरे को ऐसे बोला था, है ना।
जो दुनिया की बात को याद रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, क्या ठाकुर को बात याद नहीं, याद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। जो कथा सुना रहा हूँ, कथा सुन करके अपना घर में जाना, जरूर बच्चों को भी सुनाना, तुम्हारी देवता को भी सुनाना। बोले आज कथा सुना, जब पार्वती कथा सुनाती ना, शंकर भी बैठ कर सुनते हैं, जब लक्ष्मी कथा सुनाते हैं, नारायण भी कथा सुनते हैं। तुम तो घर की लक्ष्मी हो, पार्वती हो, और तुम्हारी नारायण को, शंकर जी को भी कथा सुनाना, ध्यान देकर सुनो। इसलिए अभी क्या हुआ, अभी एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांड। एक दिन राजा का राज्य में आए और देखा राजा रानी हो करके अपना हाथों से 24 घंटा भगवान की सेवा पूजा भक्ति करते हैं। ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा। अगर कोई ज्यादा पैसा वाला राजा हो ना, भले ही कोई एक मंदिर बना देगा, लेकिन अपना पूजा सेवा करेगा और नौकर लगा देगा और खुद घूमते रहेगा। लेकिन ये राजा रानी होकर के दोनों ठाकुर को सेवा नाम जप करते हैं, बड़ा आश्चर्य लगा। इतने में वो विभांड ऋषि ने प्रश्न किया राजा को, बोले महाराज ये बड़े बड़े संतों को जीवन में भी ऐसे नहीं दिखती हैं, लेकिन आपका दोनों का जीवन में इतने परिवर्तन कैसे, और राजा रानी होकर के आप थोड़ी सी बताओगे। तब राजा ने कहा, बोले बाबा अभी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। देखो एक बात बताए, जो अपना जो भजने की बात सबको मत कहा करो। जैसे रात को भगवान के बड़े सुंदर स्वप्न देखे, ठाकुर को कोई प्यारी प्यारी स्वप्न देखा, सबको मत कहा करो जो आज हमने भगवान की ये देखा। नहीं, इसको बोलनी चाहिए तुम्हारी भावना को जो समझेगा और आगे तुम्हें भक्ति की बात और बताएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी को स्वप्न देखे हो, बड़े भाग्य से कहीं ठाकुर जी स्वप्न जो तुम्हारी भावना को बढ़ाएगी। जो बोलेगा ना बेकार बात, स्वप्न में उल्टा पुलटा देखते रहते हैं, पर भाव तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए बताए अपना भजन की बात सबको नहीं बोलनी चाहिए, जो व्यक्ति समझेगा आगे बढ़ाएगा भक्ति को उसको बोला करो। तो उन्होंने जब बोले आपकी ऐसे मति कैसे हो गई, बोले बाबा आप तो संत हो, संतों के पास में मन की बात नहीं छुपानी चाहिए, संतों को खोल करके बोल देनी चाहिए। क्यों, संतों हमें आगे और भक्ति की बात बताएंगे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। बोले बाबा पहला बार आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा 4 जन्म की बात याद है, मैं एक जाति स्वर हूँ। जाति स्वर मतलब क्या, जिनकी पूर्व जन्म की बात याद हो। बोले 4 जन्म की, बोले हाँ, बोले बताओ आपकी सुनो। बोले पहले जन्म में मैं एक बदमाश था, ऐसे कोई पाप कर्म जो मैंने पाप कर्म नहीं किया, दारू पीना, मांस खाना, वेश्या घर में गमन करना, चोरी करना, घर में आग लगाना, सारे मैंने दुष्कर्म मैंने किए। मेरे परिवार वाले दुखी दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिए। मेरी जो पत्नी को, सत्यवती को देख रहे हो, इसका नाम थी काली, उसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी। अब इसकी परिवार वाले भी दुखी होकर के इसको निकाल दिए। अभी हम दोनों जंगल में भटकते भटकते दोनों एक साथ में मिले। बोले अकेला जीवन बीत नहीं रहा है, हम दोनों इकट्ठे रहने लगे और जानवर को मार करके मांस खाते थे, जीविका निर्वाह करते थे। लेकिन हम दोनों जो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, हमसे और जानवर नहीं मार पा रहे और आहार संग्रह नहीं हो पा रहा है। 3 दिन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक दिन हमने जहाँ रहते थे उसको पास में था वशिष्ठ जी का आश्रम। एक दिन हमने देखा, जैसे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए ना, हमने देखा कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोगों को हमने इकट्ठे होते हुए देखा। बोले भैया आज इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए। हम वहाँ पर गए तो देखा सुना, यहाँ पर अभी जो रामनवमी नव दुर्गा व्रत गई ना, नवरात्रि गई, वो था उसी समय। हमने सुना यहाँ पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा होगी। जो व्यक्ति ये राम कथा सुनने आएंगे, कथा के बाद में उनको प्रसाद भी मिलेगा। हमने सोचा भैया बहुत अच्छी बात है, अभी 9 दिन तक तो खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं, जाओ कथा सुना, कथा के बाद में प्रसाद मिलेगा। हमने ऐसे 9 दिन तक भगवान की कथा सुने और भगवान की प्रसाद पाए। जब हम दोनों को मृत्यु हुई, मरने का बाद हमें ले गए जमदूत, कहाँ ले गए, नरक में ले गए, और वहां पर चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो। देखो ध्यान देकर सुना, उसका नाम है चित्रगुप्त। हमारे जीवन की जितना लिखा पढ़ाई जो कर रहे,
चित्रगुप्त मतलब क्या? गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब होता है फटो। अगर कोई सोचे हम तो दरवाजा बंद करके 10 मंजिल के ऊपर में क्या कर रहा हूँ, थोड़ी कोई दिख रहा है, नहीं, दिन में सूर्य का किरण सब जगह पर, ये सूर्य किरण जहाँ पर है वो सारे साथी है। बोले रात को ये रात सब जगह में, चंद्रमा का किरण सब जगह में, जो कुछ कर रहे ना जीवन का सारे हिसाब किताब हो रही, सारे फोटो ले रहे हैं। चित्रगुप्त मरने का बाद जब काफी भूलेगा पता चलेगा हमने कितने पाप और कितने पुण्य किया। बोले इसका काफी बोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किए? बोले महाराज इनकी कोई भी पुण्य कर्म नहीं, दोनों दुष्ट थे, बड़ा बुरे कर्म किए। बोले भैया देखो तो सही, थोड़ी बहुत तो पुण्य होगा। बोले हाँ इनकी पुण्य है, कहीं प्रभु की कथा हो रही थी और 9 दिन तक कथा सुने, भगवान के प्रसाद पाए, केवल इतना ही पुण्य। देखो प्रभु की कथा में सुनने का क्या महत्व है। जब जब महाराज सुने भगवान की कथा सुने और उसके बाद में ठाकुर का प्रसाद पाए, बोले हाँ इतना सुनते ही मेरे जितने पाप कर्म था ना उन्होंने सामने काट दिए, सारे पाप कर्म काट दिए, काट करके हम दोनों को रमा वैकुंठ में भेज दिए और वहां पर हमने 100 साल तक जितने ऐश्वर्य है, जितना भोग है, सारे भोग सूख किए। उसको बाद में फिर हम दोनों को ब्रह्म लोक में भेजे, फिर वहां ब्रह्मा और ब्रह्माणी बन करके आए, वहां के भी सारे सुख तो हमने लिया। उसको बाद में स्वर्ग में इंद्र और इंद्राणी बने, स्वर्ग का सारे सुख भी वहां पर भोग किया और उसको बाद में ये पृथ्वी का राजा रानी होकर के फिर जन्म लिए। आप देख रहे तो हमारी ठाड़ बाड़ देख रहे ना, कितने आनंद और कितने सुख में रह रहे हैं। अगर हमने अनजान में, ध्यान देकर सुना, अगर अनजान में कहीं भगवान की कथा हम सुन ली और भगवान की प्रसाद को अगर अनजान में हमने पा लिया, अगर इतने पुण्य हो सकती है। अगर आप लोग कोई भक्तिपूर्वक कथा सुने, यहाँ पर मन से यहाँ पर बैठ कर कथा सुने, जब ऊपर जाओगे ना चित्रगुप्त सारे फोटो ले रहे हैं, ये चौपाल में बैठी करके कथा सुन रहे हो, हैं? इसका जो ऊपर में कापी खोलोगे ना सब निकलेगा। आप लोग ने 7 दिन तक भागवत कथा सुने, जिसको सुन करके स्वयं शंकर पार्वती स्वयं अमरत्व को प्राप्त किए, सब ऊपर में कापी खोलेगा ना सब निकलेगा, सब पाप भी निकलेगा पुण्य भी निकलेगा। लेकिन पुण्य अगर ज्यादा होना सही सही कथा सुने, यहाँ पर आकर के इधर उधर चर्चा नहीं की, सही सही मन में कथा सुनोगे ना जितने तुम्हारी पाप सब खत्म कर देंगे। खत्म करके कहाँ भेजेंगे? बोले भगवान की धाम में भेज देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद भागवत कथा मृत की जय। जय श्री राम। इसलिए बोले श्रवण मंगलम, कथा सुनने से क्या होगा? पाप खत्म होगा और जीवन में मंगल मंगलमय होगा। और उसका जो पंचमा लाभ है, बोले श्री, श्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब शोभा और श्री मतलब होता है पैसा, श्री मतलब लक्ष्मी। जो कथा सुनेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी भी आती है, घर में खूब धन दौलत भी घर में आती है, उसका जगत में जस भी होता है, जगत में उसकी जय जयकार होता है। कभी ये छठवा लाभ है, कभी ये पंचमा लाभ और सप्तम छठवां लाभ क्या है? बोले दा। दा मतलब जो संसार का जो बंधन है, संसार का जो बंधन है वो बंधन भी नष्ट हो जाएगा। और जो सप्तम लाभ है, बोले भूरी दा जना, बोले जगत में बड़े बड़े दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, वो दान है, लेकिन वो पूरा दान दान नहीं है। लेकिन कथा को जो दान करते हैं, कहते पृथ्वी में सबसे बड़ा दान है जो ये भागवत कथा को जो दान करते हैं और ये भागवत कथा जो सुनते हैं, ये जगत में सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा मंगल भगवान की कथा सुनना। इसको कौन कह रहे हैं? ये राधा रानी कह रही हैं। कौन कह रही हैं? राधा रानी कह रही हैं। अगर कोई मेरी कृष्ण की बांके बिहारी की कोई कथा सुनगा उसको 9 लाभ होगी। ठीक है, अभी हम लोग कथा सुनेंगे, प्रभु जी आपके भी सुंदर भजन सुनाएं। ठीक है, और ये भजन में सबके सब नृत्य करना और भजन में सबके सब आनंद ले, ताली बजाते हुए।
गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। ये वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को कि डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे कि राधे राधे नहीं सब बाधा मिट जाए कोई तुलना न किया आपदा श्री राधा तेज ये वृंदावन कौन कौन जाएंगे आप जाएंगे कोई जो जाना है हाथ उठा के बताए कौन कौन जाना है ये तो सब वृंदावन ही बैठेंगे लेकिन कोई कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं वृंदावन नहीं जाएंगे क्या अच्छा वृंदावन कैसे जाते हैं नाचते कूदते भरे कीर्तन करते भरे तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भरे वृंदावन भरे अरे वृंदावन धाम यपार रति राधे I'm gonna
ऐसे बैठने से कीप जोर आएगी। महाराज जी अभी बता रहे थे लगता है घर का सब घर बार बेच बाच कर यहाँ पर बैठे। हाँ ऐसे लगता है दुखी हो गए लोगों से, लगता है सोचारी घुस जाए यहाँ पर और कोई रही। अच्छा पिछले साल जब मैं आया था देखा बहुत उत्साह था, लेकिन इस साल थोड़ा कम दिख रहा है, पता नहीं क्यों खुश नहीं है क्या सब लोग। सब लोग ताली बजाकर और नाचते भाई गाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण Thank you.
फिर हाथ खड़ी हुई है। हाथ भगवत क्या बोलता है? राधे राधे। अरे फिर जोर से बोलो क्या बोलता है? राधे राधे। अच्छा अभी भी राधा में व्रत है क्या? व्रत तो खत्म हो गया, आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आज व्रत है सबका, व्रत तो नहीं है ना? तो इस जोर से बोलिए क्या बोलना है, एक और जोर से। हाँ सब एक बार हाथ उठा दीजिए ऊपर, हाथ उठा कर बोलना है सबको, ताली बजाना बोलो। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादितवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ देखो, जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी कृष्ण विरह में कृष्ण के 16,108 पटरानियां बड़ी दुखी है, लेकिन देखा जो कालंदी वो बड़ी सुखी है, इसकी अंदर में कोई दुख नहीं। कालंदी मतलब यमुना, ये कलकल नाद से यमुना बह रही है, कोई दुख नहीं। तब महेश्वर ने प्रश्न की, बोले देखो कालंदी, हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं, तेरे दुख क्यों नहीं? बोले देखो, राधा रानी के आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं न गए नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है। हम लोग वृंदावन गए ना कोई कोई, आप देखना वहां पर दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन, दो वन है वृंदावन में। देखना शाम को होते ही वहां बहुत सारे बंदर दिन में रहते हैं, देखना शाम होते ही वो बंदर भी चले जाते हैं, वहां पर फूल की सजिया लगाते हैं, तांतन लड्डू लोटे में पानी रख लेते हैं। सवेरे जा करके देखो ना, लगेगा कोई लड्डू खा करके गए, लोटे में पानी नहीं, मानो फूल की सज्जा के ऊपर कोई लेट कर गए। अगर कोई जोर जबरदस्ती सोचा हम रुक जाए, वो मर जाएगा नहीं तो गूंगा हो जाएगा। वो वन को पास में अपना गुरु जी का मंदिर मैंने दो स्वयं देखा, एक माता जी को देखा गूंगे होते हुए और एक को देखा मरते हुए। अभी कलयुग में जिनको विश्वास नहीं होता ना भगवान है कि नहीं, किसने देखा, एक बार वृंदावन में जाओ और ये वन में एक बार रोक करके आ जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। इसलिए अभी भी भगवान लीला कर रहे हैं, ठाकुर कहीं नहीं गए। ये कौन कह रही है? ये कालिंदी कहती है। देखो एक छोटी सी कथा सुना, आज से 50 साल पहले की कथा है। मतलब एक समय कोई एक स्त्री जिसका नाम थी किशोरी, वो बड़ी सुंदर थी, अभी नई नई शादी हुई, बड़ी पतिव्रता नारी, पति की बड़ी सेवा करती थी। शादी के कुछ दिन बाद में किसी बीमारी में उसने शरीर छोड़ दी, पति उसको पर बड़ी आसक्त था। अभी पत्नी की चिंता करते करते वो पागल हो गया, अभी दिन रात कहता है हाँ किशोरी तू कहाँ चली गई, ये बच्चे किसका खेल रहा है, ये बच्चे को बैठाओ। इसलिए बोले किशोरी तुम कहाँ चली गई, तू कितने अच्छी थी, कितने सेवा करती थी,
अभी दिन रात ईश्वरी करते करते कैसे वो वृंदावन में चला गया, अभी रात भर उसको नींद ही नहीं, हाथ ईश्वरी बोल करके रोता रहता है। लेकिन अभी भी भगवान की चार तरह का ठाकुर का रास है, एक है शारदीय रास, एक है बासंती रास, एक है नित्य रास और एक महारास। भगवान की चार तरह का रास मिला है। नित्य रास मतलब है अभी भी भगवान रोज रास करते हैं। हमारे यहाँ बड़े गुरु जी का मंदिर है, उसको पीछे एक टोपी कुंज है, अभी भी जैसे प्रभु नित्य रास करते हैं ना, अभी वहाँ मंडली आकर के रोज वहाँ रास होगा, रोज रास होता है। अभी राधा रानी अपना सहेलियों को साथ में रात में रास करने के लिए आई, लेकिन ये तो रात भर हाथ ईश्वरी तो कहाँ चली गई, कितने प्यारी थी, कितने सेवा करती थी, अभी रात भर उसको नींद नहीं। वृंदावन में देखना राधा जी को सब किशोरी किशोरी कहती है, क्योंकि नित्य किशोरी राधा रानी है। अभी राधा जी के कान में आवाज पड़ी, किसने मेरे नाम को ले लेकर के रो रहा है और मेरे को पुकार रहा है। राधा रानी ललिता को बोले, ललित देखो कोई भक्त रात भर सोया नहीं और मेरे नाम को लेकर के वो पुकार रहा है, जा उसको लेकर के आओ। ललिता बोली, पागली तेरे को नहीं बुला रहा है वो, उसका पत्नी के नाम थे किशोरी, वो बड़ी अच्छी थी, प्यारी पतिव्रता नारी थी, शादी की कुछ दिन बाद में शरीर छोड़ दिया, वो अपना पत्नी का प्रेम में पागल होकर के वृंदावन आ गया, वो अपना पत्नी को बुला रहा है। लेकिन किशोरी किशोरी तो रात भर पुकारते जा रहा है। अब देखना, अगर दो नाम, अगर एक दो व्यक्ति का एक नाम हो, अगर मैं एक को बुलाऊ ना, दूसरा व्यक्ति आवाज देगा, क्या मुझे बुला रहे हो। अभी राधा रानी तो बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, अभी राधा रानी को रहा ही नहीं गया। बोले, देख ललिते, मेरे को पता है उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, लेकिन किशोरी है किसकी नाम, मेरी नाम है, लेकिन उसकी पत्नी को दी गई थी, लेकिन नाम तो मेरी है ना, और मेरे धाम में आकर के रात भर सोया नहीं, हाथ किशोरी बुला रहे, जाओ उसको ले करके आओ। तो ललिता जा करके ले करके आती है, राधा रानी उसकी सर पर हाथ रखती है। वो तो एक पागल था, पर उसने दूसरा पागल बन गया। कौन सा पागल बन गया? इसलिए कहते हैं ना, कोई धर्म दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल है ना, सब झूठे पागल है। लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके बिहारी के। इसलिए राधा रानी की ऐसे कृपा हुई, इसलिए कालिंदी कहती है, कृष्ण कहीं नहीं गए अभी भी वृंदावन में। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? बोले, जिसको ऊपर में राधा रानी की कृपा हो जाए, वही व्यक्ति को पता चलेगा अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में। बोले, भैया हम सबके सब श्री राधा रानी की शरण में जाएंगे। भाई, हमें ये चीज कौन समझाएगा अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है? बोले, एक व्यक्ति बता सकता है। बोले, कौन? बोले, श्री उद्धव जी। क्योंकि कृष्ण ये उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में भेजे और भेज करके उन्होंने उनको सांत्वना प्रदान की थी। बोले, भैया उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले, अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज गोवर्धन में उद्धव कुंड में घास बनकर के तपस्या कर रहे। गिरिराज परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? बाबारी तो गुजरी सौ। अब देखना, जब गिरिराज की परिक्रमा करोगे ना, श्री राधा कुंड से पहले एक कुंड आता है, कुंड का नाम क्या है बोलो? तो कैसे परिक्रमा लगाए? वो कुंड का नाम श्री उद्धव कुंड है, हैं? उद्धव कुंड है। बोले, अभी भी उद्धव जी वहीं पर वो घास बन करके भजन कर रहे हैं। बोले, चलो हम सब के सब उद्धव जी को पास में चलते हैं। कल श्री परीक्षित महाराज, सांडिल्य ऋषि, हैं? कहते कृष्ण की 16,108 पटरानियां, वज्रनाभ, सबके सब गिरिराज तलहटी में गए और उद्धव कुंड पर बैठ करके उन लोगों ने भगवान की कीर्तन करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी की कीर्तन किया, कीर्तन करने पर बोले, कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे, स्वयं उद्धव जी प्रकट हुए। बोले, उद्धव जी प्रकट हुए तो महेश्वर ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण तुम्हें वृंदावन में भेज करके
ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, अभी बताओ कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, भैया यही प्रश्न मैंने कृष्ण को भी किया था। कृष्ण जब संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर मैं भी था, मैं भी यही प्रश्न की, कृष्ण अभी तुम मिलेंगे कैसे, तू अभी हमें मिलोगे कैसे। कृष्ण ने कहा, देखो मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले किस रूप में? बोले ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है, ये ग्रंथ रूप में कलयुग में निवास करूंगा। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, जो ये भागवत कथा सुनेगा वो इसी कलयुग में वो मेरे को जरूर प्राप्त करेगा। कलयुग में जो कथा सुनेगा, कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। आप जो कथा सुन रहे ना, आप कथा नहीं सुन रहे हो, बांके बिहारी से मिल रहे हो। इसलिए भागवत में 12 खंड है, क्योंकि उसका जो प्रथम जो दूसरे खंड बोले श्री बांके बिहारी की ये 2 चरण है, तीसरा जो चौथा खंड बोले ये दोनों उनकी उरु है, जो पंचम स्कंध बोले उनकी नाभि है, और षष्ठ सप्तम स्कंध कभी भगवान की दो हाथ है, जो अष्टम स्कंध ये भगवान की मुख्य स्थल, नवम स्कंध बोले इनकी कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद, एकादश स्कंध भगवान की ललाट, और जो द्वादश स्कंध भगवान की सर है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी, बोले श्री बांके बिहारी जी की, बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की। इसलिए जब उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण कराए, कदि ये भागवत कथा श्रवण करने पर हम तो 7 दिन तक सुनेंगे, लेकिन उद्धव जी इन्होंने 1 महीना उन्होंने कथा सुनाए, और जब कथा की विश्राम हुई ये भागवत ग्रंथ से कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, राधा रानी को साथ में, सखियों को साथ में स्वयं प्रकट हुए, फिर महिषियों ने भगवान कृष्ण से मिले, और इनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो विरह दुखी थे वो सारे दुख खत्म हो गया, सारे दुख खत्म हो गया। देखो आप देखना, जब आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, 7 दिन तक कथा सुनोगे, नाचोगे गाओगे, उत्सव होगा, कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, राधा रानी की, गिरिराज बाबा की, कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, फिर आपका आली गांव में श्री जगन्नाथ, इस बार श्री जगन्नाथ जी भी आ रहे हैं, और श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी होगी, हैं? आप देखना जब 7-8 दिन ये उत्सव होगा ना, तुम्हारे हृदय भी कृष्ण प्रेम में भरपूर हो जाएगा, हैं? कृष्ण प्रेम में तुम्हारे हृदय भी एकदम भर जाएगा, कृष्ण प्रेम में आप भी कृष्ण प्रेम मतवाला होकर के आप भी नाच उठोगे जब 7-8 दिन तक की कथा होगी। इसलिए कहते, तब श्री उद्धव जी कहते हैं, देखो मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले उद्धव जी का गुरु कौन है आपको पता है? उद्धव जी का गुरु कौन है कोई बोल सकते हो? कौन बोलेगा हाथ उठा? बोल नहीं सकते ना? उद्धव जी का गुरु कौन है? कौन बोलेगा? बोलो। हाँ कौन है, जोर बोलो। हाँ ये एक माता जी यहाँ पर बैठी बोल दी। इसलिए उद्धव जी का गुरु श्री बृहस्पति जी। कभी ये बृहस्पति बोले मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे। देखो हम तो दुनिया की बात याद रखते हैं, लेकिन ठाकुर का भी नाम याद रखनी चाहिए, भगवान की कथा भी हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए मेरे गुरु जी एक कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए? बोले जब श्री बांके बिहारी भगवान ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने 3 देवता को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। कभी इनको ये तीनों को उन्होंने तीनों काम में उन्होंने लगा दिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु जी ठाकुर जी ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, अभी रजोगुण से मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर तुम ये 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, फिर रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा, और भागवत का कृपा से दुनिया को सृष्टि भी कर सकते हो। इतने में नारायण आए,
बोले ठाकुर जी दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ। बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए नारायण जब कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठ के कथा सुनती है और नारायण एक महीना तक कथा करते हैं। अभी नारायण की कथा खत्म हो गई फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। बोले दो महीना तक कथा करती है। नारायण की कथा में जितना आनंद है ना जब माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है और ज्यादा आनंद मिलता है माँ लक्ष्मी की कथा से। अभी शंकर जी आए बोले प्रभु ये संघार का काम है तमोगुण का काम है अभी ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। इसलिए श्री शंकर जी जब कथा सुनाते हैं एक साल तक बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए शंकर जी कथा सुनाते हैं। और कथा कौन सुनती है कौन सुनती है माता पार्वती। अभी शंकर जी की कथा समाप्त हो गई फिर श्री माता पार्वती सुनाती है और कथा कौन सुनते हैं श्री भोले बाबा। बोले माता पार्वती कितना दिन में कथा समाप्त करते। बोले दो साल। बोले शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करके सुनाते हैं माता पार्वती जब सुनाती है ना उससे भी ज्यादा व्याख्या करते हुए ये कथा को सुनाती है। क्यों कहते जो माता जी ये वैष्णव ही है। माता जी कौन है ये वैष्णव ही माता जी और शंकर जी कौन है ये वैष्णव है। शंकर जी भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा और माता जी श्री वैष्णव भी है। देखो ये कथा की कितने महत्व है। जिसकी प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं जिसकी प्रभाव से विष्णु जगत को पालन करते हैं और जिसकी प्रभाव से शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं। मतलब ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना किसकी कृपा से। बोले ये भागवत ग्रंथ की कृपा से दुनिया में सारे काम हो रहा है। फिर श्री उद्धव जी कहते भैया कथा कैसे सुननी चाहिए। फिर उन्होंने श्रोता का विवरण बताते हैं। कल मैंने बताया था आपको श्रोता दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं कितने तरह के हैं दो तरह के हैं। एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो अच्छे श्रोता चार तरह के कितने तरह के इसको याद है बोलो तो बोलो कोई एक माता जी बोलो जोर से बोलो। माता जी एक का नाम लिया है कहते कैसे सुननी चाहिए मधुमक्खी जैसे। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी। कहते मक्खी कहाँ बैठती है गंदी चीज में और मधुमक्खी कहाँ बैठती है फूल गोबर में। वो शहद को लेकर के बड़े सुंदर छता बना देती हैं और जो ठाकुर जी की सेवा में लगता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं हमें क्या बननी चाहिए मधुमक्खी। अच्छी चीज में बैठो गंदी चीज के ऊपर मत बैठा करो। इसलिए पहला नंबर मधुमक्खी दूसरा नंबर कौन बोलेगा हाँ माता ने सुना अच्छी बात है। इसलिए दूसरा नंबर कौन है हंस। हंस को दूध दो देखना दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। इसलिए जीवन में सार को ग्रहण करो और असार को त्याग दो। तीसरा नंबर मछली। कहते मछली देखना मछली का जो आंख है ना ये पलक कभी झपती नहीं देखना वो एकदम अपलक पूरा खुली हुई नेत्र हर समय रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए मछली जैसे मतलब टकटके लगा कर ही कभी इधर देखा कभी नहीं। कथा सुनते समय इधर उधर मत देखनी चाहिए मछली जैसे आंख खोल करके हर समय हैं हर समय एकदम अपलक नयन में देखती हैं। कथा भी ऐसे सुननी चाहिए बगल में कौन बैठा उधर कौन बैठा नहीं इधर उधर हमें नजर नहीं देनी चाहिए मछली जैसे। और चौथा नंबर क्या है हाँ चातक। वाह बच्चे सब याद रखे। इसलिए कहते चातक। चातक का एक विशेष गुण है किसी नदी का पानी पिएगा नहीं किसी तालाब का पानी कभी नहीं पीता है वो तभी पानी पिएगा जब बारिश हो स्वाधीन नक्षत्र का। इसलिए चातक हर समय देखना वो चकोरा प्यासा हम मैं प्यास हूँ पानी पानी बोलकर चिल्लाते रहता है हाँ ये चिल्लाते रहता है। जब आकाश से बारिश हो तभी उसी पानी को पिएगा। इसका मतलब क्या है भैया कथा तो सुनेंगे लेकिन इधर उधर से कथा नहीं सुनेंगे हैं बैठ करके दुनिया की बात कर रहे हैं उसकी बहू ने ऐसे की उसकी बेटी ने ऐसे की इसकी छोरा ने ऐसे की
इस बात को बैठकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ना, ये 84 लाख जन्मों के बाद में हमें एक बार ठाकुर जी मानव शरीर दिए। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ नगावा, ये देवताओं को भी ये मानव शरीर पाना दुर्लभ है। कहाँ पर? भारत में। बोले कौन सा वंश में? बोले भारत में, हिंदू घर में। और हिंदू घर में फिर गुजर घर में जन्म लेना तो बड़ी भाग्य की बात है, कि गुजर घर में जन्म लेना बड़ा भाग्य की बात है। इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। 84 लाख जन्म भटकते भटकते 84 लाख जन्म में एक ही जीवा ठाकुर ने दिया, जिसमें हम राम राम कृष्ण कृष्ण कह सकते हैं। और कोई राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकता है? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये मुक्ति की दरवाजा है। इसलिए बैठ करके इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। इधर उधर जीवा भगवान जो दिया है ना, जीवा की तभी सार्थकता जब इन्हीं जीवा से भगवान के नाम ले। नहीं तो भागवत कहता है जो लोग ठाकुर जी का नाम नहीं लेकर के दुनिया की इधर उधर की बात करते हैं वो क्या है? बोले मेढक। आप देखना बरसात का समय में मेढक टट्टर 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 करता है, और इसका काल सर्प है। अभी सर्प देखता है, अभी हमें अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, आहार मेरे को स्वयं बुला रहा है। सर्प धीरे 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 आएगा, झट पकड़ लेगा और उसको निगल लेता है। इसलिए कहते जो व्यक्ति भगवान के नाम छोड़ करके इधर उधर की दुनिया की बात करता है वो टट्टर 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 करता है, और काल रूपी सर्प एक दुनिया आकर तुम्हें निगल कर खा जाए। इसलिए इन्हीं जीवा से इधर उधर की बात हमें नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो किसके नाम? ठाकुर का नाम करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे। देखो सबके सब बोलना, नहीं तो जीवा मेढक का जीवा हो जाएगा। बोलो सबके सब, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बार आप बोलो, मैं सुनूंगा, देखूंगा आप कितना जोर से बोलते। देखो गांव में जब झगड़ा होता है ना, अगर इसी कोने में हो दूसरे कोने में पता चलता कहीं लड़ाई हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ जोर से बोलो, जैसे छत उड़ी जाएगी। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले और तीन तरह का श्रोता है, एक है श्रोता और एक है श्रोता और एक है श्रोता, ये तीन तरह का और श्रोता है। हाँ ध्यान देकर सुनो, एक है श्रोता। श्रोता मतलब क्या है? जो कथा में आकर सो जाते हैं, वो देख देख करके बैठते हैं, कहाँ पर बैठने पर नींद बढ़िया से आए वो देख देख कर बैठेगा, उसको कहते हैं श्रोता। दूसरा नंबर है श्रोता। बोले श्रोता मतलब क्या है? कहते जो कथा सुनने नहीं आए, किस लिए आए? वो केवल दोष देखने के लिए आए। कहते ये श्रोता है। कहते भैया श्रोता कौन है? अभी जो सुने ना चार तरह का अच्छे श्रोता, इसलिए जो मन लगा करके टकटक लगा करके हंस जैसे मधुमक्खी जैसे एक मन से जो कथा सुने ये श्रोता। इसलिए बोले ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है, कहते भैया ये क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत क्या है? बोले ये कल्प वृक्ष है। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या? बोले जो मांगोगे वही मिलेगा। जैसे यहाँ कथा नहीं सुन रहे हो, कहाँ पर बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। अगर 7 दिन तक एक मन से अगर कथा सुने, अब नियम पूर्वक कथा सुनोगे, आप देखना 7 दिन में जो मांगोगे, ये पद्म पुराण में बताया, जो दुखी उसे सुख प्रदान करती है,
जो निर्धन है उसे धन प्रदान करती है, जो रोगी है उसे निरोग प्रदान करते हैं, जो मुक्ति कामी उसे मुक्ति प्रदान करती है, जो भक्ति कामी उसे भक्ति प्रदान करती है। बोले जो कुछ आप मांगोगे 7 दिन में, हमने बड़े बड़े जगह पर गए, बड़े जगह पर कथा की, कल बता रहे थे ना, जिनको 20-25-30 साल तक संतान नहीं हुई, ये भागवत कथा सुने एक मन से, भागवत में फल रख कर खाए तो उनको संतान जन्म हुए। बड़े बड़े जो लोग बड़े बड़े रोगी थे उनको निरोग प्रदान की। अगर सही सही आप अगर कथा को एक मन से सुनोगे, आप देखना 7 दिन में जो मांगोगे भागवत से, भागवत ये कल्प वृक्ष की सारी इच्छा पूरी कर देती है। इसलिए भागवत से जो मांगना मांगो, लेकिन एक चीज जरूर मांगो, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति है, ये चीज जरूर मांगना। ये संसार की वस्तु तो भागवत अपने आप दे देती है, लेकिन एक बार अगर प्रभु की भक्ति मिल जाए ना, फिर जीवन हमारे सुखमय हो जाते हैं। देखा कि छोटी सी कथा सुनो, कोई एक अंधा था, वो शंकर जी की पूजा की। शंकर जी जब खुश हो गए, बोले भैया वर मांगो, लेकिन वो पहले सोच करके आया था मैं 3 वर मांगूंगा। बोले क्या? बोले पहला वर मांगूंगा अंधा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा वर मांगूंगा मुझे धन मिल जाए, और तीसरा वर मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आया था शंकर जी से 3 वर मांगूंगा। अभी शंकर जी खुश हो गए तो बोले भैया वर मांगो। बोले मेरे को 3 वर चाहिए। बोले नहीं, 3 वर नहीं दूंगा, जो मांगना 1 वर से मांगना पड़ेगा। वो बड़ा चतुर था, बोले कोई बात नहीं 1 ही वर दे दो। बोले बोलो क्या चाहिए। बोले मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी के पीठ के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखू। शंकर जी ने देखा एक बड़ा चालाक है, भैया राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर में सोने के कटोरी में दूध चावल को खाएगा, राजा महाराज खाएंगे। बोले बेटे को देखू। बोले बेटा कब होगा? जब शादी हो जाएगी। बोले देखू कब देखेगा? जब आंख हो। बोले भैया ये तो बड़े चालाक है, ये तो 1 बार में सब कुछ मांग ली। हाँ देखो, इसका मतलब है हमें भागवत से ऐसे एक चीज मांग लो ना जो हमें सब कुछ मिल जाए। कहते वो क्या है? बोले ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की भक्ति। अगर भगवान की भक्ति अगर मिल गई ना, ठाकुर जी स्वयं मिल जाएंगे, बांके बिहारी तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। अगर ठाकुर जी स्वयं मिल जाएंगे, ठाकुर जी कौन है? वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। अगर तुम इनके बच्चे बन गए, पर पिताजी का सारे संपत्ति का मालिक तो बच्चा ही होता है। इसलिए जीवन में हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम कहां पर बैठे हैं? बोले कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हुए। इसलिए भागवत को बताया क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। एक का पका हुआ फल, फिर उसमें सूख पखी ने तोता ने उसको चोंच मारे। इसलिए कहावत है तोता उसी फल में ही चोंच मारता है जो पका हुआ हो। वो कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो पका हुआ फल में ही चोंच मारेगा। मतलब ये जो भागवत है वो एकदम पका हुआ फल है, हैं? और एक कहावत है जिस फल में ये तोता ने चोंच मार लेता है ना, उसमें और ज्यादा मिठास आ जाता है। भागवत तो रसमय है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुंह से निकली, इसमें और भी ज्यादा रस आ गया। बोले क्यों रस आ गया? बोले कारण है ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले ये राधा रानी की ये सूप है, जिसको राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, हैं? और राधा रानी की निकुंज मंदिर में रहने वाले, कभी कभी राधा रानी इसको क्या करती थी, कृष्ण स्वरूप मान करके कभी कभी उनको चुंबन करती थी। चुंबन करने पर राधा जी की जो अधरामृत ये सूप की तोता की मुंह में लगा हुआ, इसलिए राधा जी की अधरामृत लगा हुआ। आप बताओ राधा शब्द को उल्टा दो तो क्या होगा? बोलो तो बोलो, राधा उसको उल्टा दो क्या होगा? धारा। इसलिए कहती है राधा रानी नहीं, कहती है कृष्ण प्रेम रस की धारा श्री राधा रानी। इसलिए उसकी मुंह में राधा रानी के रस लगा हुआ, अधरामृत लगी हुई।
इसलिए हम आगे सुनेंगे जब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिता बैठे हुए, लेकिन कथा सुने तो किससे सुने, श्री सुखदेव गोस्वामी की ही कथा सुने। बोले क्यों, चूंकि राधा जी के अधरा व्रत उसके थोंटे में लगा हुआ, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाए वो कथा में और भी रस आ गया। बोले भैया ये रस को खूब पियो, क्या करो, रस को पीते रहो। हाँ देखो, फल को खाते हैं ना, फल को पीते हो, बोला कोई फल है, हम फल को खाते हैं ना, फल को पीते हो, बोला खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते पियो। बोले भैया पियेंगे कैसे, आप तो पहले फल बता दिया। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें रस ही रस है। जैसे कोई चीज को जब हम पीते हैं, कोई चीज को पीते हो किधर से पीते हो, बोला और जब कोई चीज को पीते हो किधर से पीते हो, मुंह से पीते हो। अभी जिस रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो, बोला आप लोग कोई बोलते कानों से पी रहे हैं। कहते ये ऐसे के रस है ना जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किससे पी जाती है, कानों से। देखो मुंह से पीना और कानों में पीना में क्या फर्क है, कोई भी चीज अगर तुम मुंह से पियोगे ना वो निकलेगा, अब अंदर में रख ही नहीं सकते, वो निकलेगा ही, लेकिन जो चीज कानों से पियोगे वो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए कहते ये ऐसे का रस है जिसको कानों से पी जाती, जिसको मुंह से नहीं पी जाती। बोले भैया आप पीते तो है लेकिन सब निकल जाती, रुकती नहीं अंदर, क्योंकि हमारे अंदर में छेद ही छेद है, काम क्रोध लोभ मोह मदम सब छेद ही छेद है, एक तरफ में पीते दूसरे तरफ में निकल जाती है। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए, देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ उत्तर दो, जैसे कि एक मटका हो, मटका में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगी, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही मटका में जितने छेद क्यों नहीं हो अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगी, वो अंदर में टिकी रहेगी। बताओ तो क्या ऐसे कोई उपाय है जिससे एकदम निकलेगी नहीं जिसमें टिकी रहेगी पानी, बताओ तो, बोलो जोर से। हाँ अगर ध्यान देकर सुनो, अगर ये पानी को मटका को अगर पानी में डुबो करके रख दोगे ना, भले ही जितने छेद क्यों नहीं हो फिर पानी निकलेगा, क्यों, ऑलरेडी वो पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कहते हर समय अगर हम प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, प्रभु के नाम जप करते रहेंगे, प्रभु की कथा सुनते रहेंगे ना, अगर प्रभु की भक्ति रस में डूबे हुए रहेंगे, भले ही हमारी अंदर में काम क्रोध क्यों नहीं हो, तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ बैठे हो, सबके अंदर में काम क्रोध है, लेकिन अभी आपका कोई काम सता रहे हैं ना, कोई क्रोध सता रहा है ना, कोई लोभ सता रहा है, कुछ सता रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु की भक्ति रस में डूबे हुए हो। लेकिन ये गेट से पार होते ही ना, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये होगा, उसके साथ में ये लड़ाई, उसके साथ में ये झगड़ा, बहू को साथ में बनती नहीं, सास के साथ में नहीं बनती, ससुर के साथ में ये है, पड़ोसी के साथ, आप देख रहे हैं गेट से निकलते ना सारे दुनिया आकर के सर में बैठेगा, लेकिन यहाँ पर जब तक बैठे हुए ना तब तक शांति में बैठे हुए। बोले क्यों, कारण क्या, देखो आप कथा नहीं सुन रहे हो, बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, बांके बिहारी की गोद में बैठे हो यहाँ पर। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया कथा रस को पीते रहो, पीते रहोगे ना तुम्हारी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले भैया रस को पिए तो कौन न पिए, बोले केवल दो व्यक्ति ये रस को पी सकते हैं, एक भागु और एक रसी, मतलब जो बड़ी पुण्यात्मा है वही ये रस को पी सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, 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 आ पा
जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, क्या करते हैं? ज्योतिष को पास में जाते हैं। देख तो हाथ रखो, ये संसार से एक बात में दुख हट ही नहीं रहा है, एक बात में दुख आती जाती रही है। बताओ तो हाथ उधर देखो तो क्या, क्यों दुख आता है? बताओ ज्योतिष क्या दुख दूर कर सकता है? बोलेगा ये पत्थर पहन लो, ऐसे कपड़े में सो, ये दान करो, यही बोलेगा ना। लेकिन उससे दुख दूर नहीं होगा। क्यों? ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है। ये पूर्व जन्म का कर्म का फल ठाकुर ही खत्म कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे कोई जन्म नहीं लिया।